हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? सही उत्तर है डी ऑप्शन, राजीव गांधी विश्वविद्यालय। ये इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र NCSSR के तहत खेल विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। खेल विज्ञान में MSc और PhD कार्यक्रम केंद्र द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 21 मई, यानी कि थर्ड ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी खपत बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चाय का उत्पादन और इसके प्रसंस्करण से अत्यधिक गरीबी में कमी आती है, जो कि SDG 1 का पहला लक्ष्य है, और भूख के खिलाफ लड़ाई जो SDG का दूसरा लक्ष्य है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? सही जवाब है पहला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 20 मई 2020 को स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पहली किश्त में 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार ने नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार उन प्रवासियों को अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान करेगी जो अपने प्रवास वापस आ गए हैं। नेक्स्ट है आज का फोर्थ क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने छावनी बोर्डों का प्रबंधन करने के लिए ई-गव फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है पहला ऑप्शन, रक्षा मंत्रालय। छावनी बोर्डों के प्रबंधन के लिए ई-गव फाउंडेशन के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महानिदेशक रक्षा संपदा DGDE ने पहल के तहत देश भर के 62 छावनी बोर्डों को डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गव फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने अगप्पे चित्रा मैग्ना लॉन्च किया है? सही जवाब है डी ऑप्शन, SCTIMST। ये इसका सही जवाब है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगप्पे चित्रा मैग्ना को 21 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगप्पे चित्रा मैग्ना मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट है, जिसे अगप्पे डायग्नोस्टिक लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स का निर्माण करती है और कोचिन में स्थित एक विनिर्माण कंपनी है। क्लियर है यहाँ तक? सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारेटको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिक्स्थ क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजेश गोयल। राजेश गोयल को नारेटको का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। परिषद में पदेन संरक्षक आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नारेटको का अर्थ राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है और इसकी स्थापना 1998 में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। नेक्स्ट है आज का सेवेंथ क्वेश्चन। किस राज्य के जिला प्रशासन ने प्रवासियों की मदद के लिए तत्पर योजना शुरू की है? सही जवाब है सी ऑप्शन, झारखंड। प्रवासियों की सहायता के लिए तत्पर योजना झारखंड राज्य सरकार में शुरू की गई है। रांची के जिला प्रशासन ने प्रवासियों के थका देने वाली पैदल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए
इस योजना की शुरुआत की है। जिला प्रशासन ने पहल के शुभारंभ के बाद बसों में लगभग 140 प्रवासियों को अपनी आवाज भेजा है। नेक्स्ट है आज का 8th क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? सही जवाब है ए ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है और इसकी घोषणा एकीकृत जोखिम बीमा एक IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ द्वारा की गई थी। पहल के तहत आजीविका के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के एकीकरण और वचनबद्धता की जाएगी। कार्यक्रम में 3 आज्ञाएं विशेषज्ञता, वचनबद्धता और पात्रता शामिल है। नेक्स्ट है आज का 9th क्वेश्चन। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेट्स में आपसे पूछा जा सकता है और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 21 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सी ऑप्शन गोविंदा राजुलू चिंटाला। ये इसका सही उत्तर है। गोविंदा राजुलू चिंटाला को केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में उनकी सेवानिवृत्ति तक 2 साल की अवधि के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक का पद संभाल रहे हैं। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने भी 5 साल के लिए नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में शाजी केवी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शाजी केवी वर्तमान में कैनरा बैंक के महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।